Assalamu alaikum, it's Warda Ali. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch. Now we are starting our lesson 37, Teaching for Self-Regulation, Creativity and Tolerance, Part 1. Educational psychologists जो हैं वो ज़्यादातर emphasize करते हैं self-regulation पर कि self-regulation एक major variable है teaching में और learning में. तो actually में self-regulation क्या है? Self-regulation एक ऐसा process है जिससे हम यूज़ करते हैं अपनी थॉट्स, बिहेवियर्स और इमोशंस को एक्टिवेट करने के लिए ताकि हम अपने गोल्स तक पहुंच सकें. इन अदर वर्ड्स क्या हम करते हैं अपने गोल्स को अटेन करने के लिए? सेल्फ लर्निंग या न्यू स्किल्स का लर्न करना या ओल्ड स्किल्स को सस्टेन करना, सेल्फ कंट्रोल या मोटिवेटिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं. ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम अटेन करने के लिए अटेन करना चाहते हैं, ठीक है. ये है होती है सेल्फ़ रेगुलेशन, ठीक है. मतलब कि जो भी हमारे गोल्स हैं उनको अटेन करने के लिए जो जो काम हम करना चाहते हैं, तो वो काम जो करना चाहते हैं उनमें ये सेल्फ़ लर्निंग या लर्निंग ऑफ न्यू स्किल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं और इसको हम जो है वो सेल्फ़ रेगुलेशन कहते हैं. साइकोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने 4 फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जो कि सेल्फ रेगुलेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं. तो वो कौन से फैक्टर्स थे? वो 4 फैक्टर्स थे नॉलेज, मोटिवेशन, वॉयलेशन और विद पावर, विल पावर और फैमिलीज इन्फ्लुएंस. तो अब हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं. नॉलेज, इन रेफरेंस टू नॉलेज रिसर्च ये शो करती है कि एक स्टूडेंट की जो सेल्फ़ रेगुलेशन है वो उसकी नॉलेज से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट इन्फ्लुएंस होती है. जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर दैट ही इज़ स्टडिंग और सपोज टू स्टडी, ठीक है, वो स्ट्रेटजीज जो हैं वो अवेलेबल होती हैं उसके लिए कि वो पढ़े. सेल्फ़ रेगुलेशन जो है वो इन्फ्लुएंस होती है, उसका जो उसकी अपने बारे में नॉलेज है उससे इन्फ्लुएंस होती है और उस और नॉलेज जो कि उसने जो वो सब्जेक्ट पढ़ेगा उसके बारे में जो उसकी नॉलेज है और जो स्ट्रेटजीज है जिससे वो वो चीज़ें पढ़ेगा, जो सब्जेक्ट है उसे पढ़ेगा और जो कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पर वो ये सब चीज़ें अप्लाई करेगा या अपना जो सब्जेक्ट उसने पढ़ा है वो अप्लाई करेगा, जो भी चीज़ें उसने पढ़ी हैं, जो भी स्ट्रेटजीज उसने पढ़ी हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करेगा, तो वो होगी लर्निंग, ठीक है. मोटिवेशन सेकंड फैक्टर जो कि सेल्फ रेगुलेशन को अफेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है वो है स्टूडेंट की मोटिवेशन. रिसर्च ये शो करती है कि जो सेल्फ रेगुलेटेड स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लर्निंग को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देते हैं. वो जानते हैं कि लर्निंग के थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और वो डिटरमिन होते हैं कि वो अपने आप को डिसिप्लिन करें और वो अप्लाई करें अपने आप पर. मतलब अप्लाई, एक तो अपने आप को डिसिप्लिन करें और अपने आप पर जो है वो अप्लाई करें हर चीज़ जिससे वो लर्न कर सकें. विल पावर और वॉयलेशन, सेल्फ़ रेगुलेटेड स्टूडेंट्स जो हैं वो हाई लेवल ऑफ विल पावर और वॉयलेशन रखते हैं ताकि वो अपने टास्क में जो है वो फोकस रहें और मैक्सिमम बेनिफिट अपनी एफर्ट से हासिल कर सकें. वो जानते हैं कि किस तरह वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शन से और किस तरह अपने आप को एक फोकस रख सकते हैं एक टास्क पर. फैमिली इन्फ्लुएंस जो है वो भी सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर जो है स्टूडेंट का उसको इन्फ्लुएंस करते हैं. जैसे पेरेंट्स जो कि खुद सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं वो अपने चिल्ड्रंस में भी सेल्फ रेगुलेशन जो है उसे बरकरार रखते हैं. पेरेंट्स इनक्रेज करते हैं सेल्फ रेगुलेशन अपने चिल्ड्रंस में और उन्हें फैसिलिटेट करते हैं सेल्फ रेगुलेशन में. सो इन समरी ये भी कहा जा सकता है कि जो सेल्फ़ रेगुलेशन है वो टीचिंग से भी पढ़ाई जा सकती है या और गुड सेल्फ़ रेगुलेटेड मॉडल्स के थ्रू भी पढ़ाई जा सकती है. प्रैक्टिसिंग सेल्फ़ रेगुलेटेड बिहेवियर और इनक्रेजमेंट और सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स और टीचर्स, इन सब के थ्रू भी सेल्फ़ रेगुलेशन जो है वो पढ़ाई जा सकती है. अब क्रिएटिविटी क्या है? तो क्रिएटिविटी एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम ओरिजिनल और अप्रोप्रिएट वर्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं.
साइकोलॉजिस्ट एग्री करते हैं कि जो क्रिएटिविटी है वो एक अलग डोमेन है, स्पेसिफिक, यानी कि एक पर्सन क्रिएटिव हो सकता है एक पर्टिकुलर एरिया और डोमेन में, और ऐसा भी हो सकता है कि हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में वो क्रिएटिव ना हो। रिसर्च ये शो करती है कि पर्सन किसी भी पर्सन में क्रिएटिविटी, मतलब एक टीचर और एक स्टूडेंट में जो क्रिएटिविटी है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स से रिलेट करती है। वो फैक्टर्स पर्सनालिटी फैक्टर्स हो सकते हैं, मोटिवेशन हो सकती है एक इंडिविजुअल की, उसका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस हो सकता है, उसकी सोशल इन्वायरमेंट हो सकती है, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्रिएटिविटी होगी। क्रिएटिविटी जो है वो काफ़ी डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेट करती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग डिफरेंट पॉसिबल सिचुएशंस सॉल्यूशंस हैं गिवन प्रॉब्लम में, या एक सिचुएशन में जो है वो डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस को हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि आपकी डिफरेंट थिंकिंग होना, ठीक है। तो जैसे कि एक प्रॉब्लम है और उसके आप काफ़ी सारे डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालें या एक सिचुएशन में, तो उसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहेंगे कि सिर्फ एक ही थिंकिंग ना होना, आप हर एस्पेक्ट से जो है आप सोच रखो अपनी। साइकोलॉजिस्ट ये ऑब्जर्व करते हैं कि थ्री एस्पेक्ट्स हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग के। सबसे पहला है ओरिजिनलिटी, सेकंड है फ्लुएंसी, और थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी। ओरिजिनलिटी है डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक न्यू चीज़ है और ओरिजिनल चीज़ है। फ्लुएंसी के जो थिंकिंग के डिफरेंट वेज हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग के, डिफरेंट नंबर ऑफ वेज हैं थिंकिंग के, और फ्लेक्सिबिलिटी के डिफरेंट कैटेगरीज है रिस्पॉन्सेज की, ठीक है। सो स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं, शो करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज जो है उसके साथ आते हैं, काफ़ी सारी कैटेगरीज होती है शो करते हैं, ग्रुप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज शो करते हैं, और ये शो करते हैं कि उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है, और ये है एक साइन ऑफ क्रिएटिविटी। ब्रेनस्टॉर्मिंग, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट आइडियाज़ को जनरेट करते हैं विदाउट स्टॉपिंग टू इवेल्यूएट द प्रैक्टिलिटी ऑफ दोज आइडियाज़। मतलब उन आइडियाज़ की जो प्रैक्टिलिटी है, यानी कि जो प्रैक्टिकल फॉर्म है उन आइडियाज़ की, उनको अवेल्यूएट करने के लिए स्टॉप नहीं करते। ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट करते हैं, और हम जो उन आइडियाज़ की प्रैक्टिकल फॉर्म है उसको अवेल्यूएट करने के लिए स्टॉप नहीं करते। अवेल्यूएशन, डिस्कशन और क्रिटिसिज्म ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशन में पोस्टपोन की जाती है बाद के लिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग और ब्रेन्स, मतलब जो ब्रेनस्टॉर्मिंग में एवेल्यूएशन और डिस्कशन है और इसका क्रिटिसिज्म है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग है, मेनली ये क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं और एम्फसाइज भी करते हैं के फॉलोइंग टू इनकरेज एंड फॉस्टर क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स, के ये सब चीज़ें अगर हम करें तो हम इनकरेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी, के हम एक्सेप्ट करें और इनकरेज करें उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग को। हम टॉलरेट डाइसेंट, यानी कि हम टॉलरेट करें कि जो डिफरेंट ओपिनियंस हैं, जो एक बच्चे के डिफरेंट एक्सपीरियंस, जो उसके ओपिनियंस हैं और वो उसने अपने ओपिनियंस जो डिफरेंट रखे हुए हैं, ठीक है, उसको टॉलरेट करें बाय मेकिंग श्योर दैट नॉन कन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स गेट एन इक्वल रिवॉर्ड एंड इनकरेजमेंट इन क्लासरूम, के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको इक्वल रिवॉर्ड और इनकरेजमेंट दी जाए क्लासरूम में। इसको श्योर बनाएं, ठीक है, स्टूडेंट्स को इनकरेज करें कि वो अपनी जजमेंट खुद बनाएं, एम्फसाइज करें कि हर कोई कैपेबल है क्रिएटिव होने का इन सम फॉर्म, किसी फॉर्म में हर बंदा जो है वो क्रिएटिव होता है, और उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग को स्टिमुलेट करें, उन्हें इनकरेज करें कि वो अनयूजुअल सॉल्यूशंस और आइडियाज़ दें, ठीक है। क्रिएटिविटी की मेजरमेंट कैसे होती है, तो जो मेजरमेंट है क्रिएटिविटी की वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। हाउएवर कुछ साइकोलॉजिस्ट ने टू टाइप्स ऑफ वर्ब क्रिएटिविटी टेस्ट जो हैं वो डिवेलप किए, एक है वर्बल टेस्ट और दूसरा है ग्राफिक टेस्ट। वर्बल टेस्ट में फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है उसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को, जितने पॉसिबल हैं ऑब्जेक्ट्स, उनको यूज़ करे और सोचे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ पर्सन इज़ इंस्ट्रक्टेड टू थिंक एज मैनी यूजेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, के एक ऑब्जेक्ट के
कितने पॉसिबल यूजेस हैं, ठीक है, वो उनको सोचे। उसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जितने ऑब्जेक्ट्स पॉसिबल, मतलब एक ऑब्जेक्ट के जितने पॉसिबल यूजेस हैं उनको वो थिंक करें या सोचें, ठीक है। तो ग्राफिक टेस्ट में एक पर्सन जो है उसे एक ड्राइंग दी जाती है और उसे कहा जाता है कि वो डिफरेंट शेप्स, जितनी इस जो उसको ड्राइंग दी गई है उससे जितने पॉसिबल शेप्स हैं उनको वो जनरेट करे, बनाए, ठीक है। तो क्रिएटिविटी की जो असेसमेंट है फ्रॉम स्टूडेंट्स, मतलब जो क्रिएटिविटी की असेसमेंट है जो हम स्टूडेंट से लेते हैं, हम उसे मेजर कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ क्यूरियोसिटी से, हाई एनर्जी और कॉन्सेंट्रेशन, प्लेफुलनेस, रिस्क टेकिंग, विलिंगनेस टू फैंटसाइज, इनटॉलरेंस ऑफ बोर्डम और डे ड्रीमिंग, इन सब चीज़ों से हम मेजर कर सकते हैं। ये सब इंडिकेटर्स हैं कि स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी है, ठीक है।